नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ इस तरह से दिखा उम्मीदों का पेड़ दरभंगा एयरपोर्ट पर, और जो निदेशक हैं मंडल जी, उन्होंने खुद पेड़ लगाया यहाँ पर। तो उम्मीदों का पेड़ इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस पर ही एक बड़ी खबर आई कि दरभंगा एयरपोर्ट ने एक नया मुकाम को छुआ है, और वो मुकाम ये है कि मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है उसका सहारा बना है दरभंगा एयरपोर्ट, और किस तरह से रोज़ाना यहाँ से लीची की सप्लाई हुई है, देश विदेश में, दुनिया के तमाम कोनों तक पहुँचाई गई है। ये रिपोर्ट आप देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि अब तक 16,000 किलो से ज़्यादा लीची पहुँचा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, महज चंद दिनों में यहाँ से 16,000 लीची, शाही लीची, जो विश्व प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर की लीची है, वो पहुँचा दी गई है। और दरभंगा एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया है 16,225 किलो ऑफ लीची ट्रांसपोर्टेड बिटवीन 30 मई टू 5 जून, यानी इन 5 दिनों के अंदर 16,2200 किलो लीची का पैकेट जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है उड़ान कृषि योजना के तहत। तो बड़ी चीज़ है दरभंगा एयरपोर्ट किस तरह से मुजफ्फरपुर की शाही लीची का सहारा बना। आपको रिकॉर्ड बता देते हैं कि क्या है, 30 तारीख को 965 किलो, 31 तारीख को 451 किलो, 1 तारीख को 2386 किलो, 2 तारीख को 5091 किलो, 3 तारीख को 1444 किलो, और 4 तारीख को 4333 किलो सर्वाधिक, और उसके बाद 5 तारीख को 1555 किलो। तो कुल मिलाकर के टोटल 16,225 किलो लीची अब तक पहुंचा दी गई है इन 5 दिनों के अंदर, 5 से 6 दिनों के अंदर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फ़ायदा हुआ है लीची व्यापारियों को, लीची उत्पादकों को। मुजफ्फरपुर की शाही लीची जो पहले काफ़ी मुश्किल होती थी, अब वो महज 40-45 मिनट में मुजफ्फरपुर से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच जाती है, और फिर वहां से जो है वो मुंबई और दुबई, लंदन, जहां भी भेजना हो कनेक्टिंग फ़्लाइट के ज़रिए पहुँच जाती है। तो ये एक बहुत अमूलचूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है दरभंगा एयरपोर्ट से इन 6 महीनों के अंदर, और ये बतलाता है कि आगे आने वाले दिनों में दरभंगा एयरपोर्ट का भविष्य क्या है। साथ ही ये भी जाहिर होता है कि अगर कार्गो होता, यहाँ से कार्गो सेवा होती, तो कितना और लाभ यहाँ के निर्यातकों को, व्यापारियों को, किसानों को मिल सकता था। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स, मैं स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।